प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेव धीरज। राइट नाउ आई एम इन वेस्ट बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल में हूं और मैं बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड हूं यहां पहुंच के, क्योंकि एक हमारे बहुत ही फेमस तो नहीं बोलेंगे आप, तो हिस्टोरिकली बोल सकते हैं, हमारे पोएट राइटर पेंटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कि हमारी देश का, हमारे भारत का आपने नेशनल एंथम लिखा था। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी कंट्रीज़ का, जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका का भी नेशनल एंथम लिखा था। तो इस जगह पे पहुँच के मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हूँ, हम लोग यहाँ पे एक कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके कोलकाता से काफ़ी पास पड़ता है, और ये है एक मिदनापुर सिटी है हमारा, वहाँ पे हम लोग कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं। एक मेरे मेंटी थे, उनके लिए हम लोग कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग 5 दिनों से मैं हूँ, अभी 2 या 3 दिन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ करेंटली, वहाँ पे हम लोग कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा कैफ़े का जो स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाऊँगा, ताकि बाद में जब ये कैफ़े स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग जज कर पाओगे कि करंट सिचुएशन में और जो पहले इसकी सिचुएशन थी वो किस प्रकार की थी। जैसे हम लोग दिल्ली में होते हैं, मेट्रो सिटी में होता है, तो ईजी होता है कि भाई हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, फटाफट आपका इक्विपमेंट आ जाता है, इंटीरियर आ जाता है। बट यहाँ पे जब हम लोग रिमोट एरिया में काम करते हैं या ऐसी सिटी में काम करते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं होती, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट हम लोग मोटिवेटेड हैं इस कैफ़े को स्टार्ट करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अलाइन हो गई हैं, हमारी इक्विपमेंट्स वगैरह, और जल्द ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लगभग 1.5 से 2 महीने लगेंगे, और उतने समय में हमारी ये सारी की सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी नहीं बताऊंगा, नाम वगैरह भी थोड़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ताकि जैसे जैसे आप लोग वीडियोस देखते जाएंगे, क्योंकि अपडेट्स आपको मिलती जाएगी, आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। ये मिदनापुर में हमारा जो जज कोर्ट है उसके सामने ही ये बिल्कुल हमारा कैफ़े स्टार्ट होगा। तो जो भी मिदनापुर से हैं या जो और इसके आजू बाजू के सिटी हैं हमारे, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ का जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। हमने लगभग 10-15 रेस्टोरेंटों में हम लोग 3-4 दिन से खाना खा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। बट जो यहाँ पे चीज़ मिसिंग है, हम लोग कोशिश करेंगे वही सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग लाएँ। अब यहाँ पे जो ये देखा होगा आपने, ये सारा का सारा हम लोग तोड़ के डिसमेंटल कर देंगे, पूरा बोर्ड वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो ये करंट इसकी सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा भी इसको डिसमेंटल हम लोग कर देंगे, आज अंदर रखना है अभी, और ये सारा का सारा लाइटिंग वगैरह पूरा का पूरा एक अच्छा एम्बियंस देने की कोशिश हम लोग करते हैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे अंदर, ये पूरा जो हियर हमारा ये वाला जो स्पेस है, ये भी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, इसका एम्बियंस वगैरह पूरा चेंज हो जाएगा, एसी वगैरह लग जाएंगे। ये एक एरिया है, ये भी पूरा टूट जाएगा हमारा, ये पहले से कोई स्ट्रक्चर था, यहाँ पहले कोई शॉप थी, तो ये भी पूरा ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आप एकदम आपको एक नया किचन, आप लोगों को यहाँ पे एक ओपन किचन आप लोगों को मिलेगा, मिंद्रापुर के लोगों को, जिसको कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो मैं बहुत ही ग्लैड हूँ वेस्ट बंगाल में, मिदनापुर में, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, इस कैफ़े में आएँ, और जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेगी आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। काफ़ी जहाँ भी मैंने खाना खाया है या मैं जितने भी दिन यहाँ पे रहा, बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेजिंग फील हुआ। तो आप सबको थैंक यू वेरी मच, जो भी मेरे वेस्ट बंगाल से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको। और जल्द ही आप लोगों को इस कैफ़े में भी आना है, और यहाँ के भी फूड को वैसे ही इंजॉय करना है जैसा आप बाकी कैफ़े में करते हो, ठीक है। अब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा कुछ दिनों के बाद, आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो कीप सपोर्टिंग, कीप हेल्पिंग अस, थैंक यू और जय हिंद।